CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 7 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक अपनी जबान के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम फलसफी नौकर। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक शख्स अपने बहुत प्यारे और तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर किसी शहर के सराय में आया। उसके साथ उसका नौकर भी था। शाम के खाने से फारिग होकर सोते वक्त मालिक ने अपने नौकर से कहा, अरे अजीज नाचीज, सुनने में आया है कि इस शहर के चोर बड़े बेतर्द और चोरी करने में निहायत दिलेर हैं। सो तू एक काम कर, तू शौक से पांव फैलाकर सो जा, मैं अपने इस कीमती और तेज रफ्तार घोड़े की खुद निगरानी करूंगा। मेरे मालिक, ये तो निहायत बेहुदा बात होगी कि आका तो तमाम रात जागे और दो पैसे का ये नौकर सारी रात आराम से सोए। तौबा तौबा तौबा, ना साहिब, ये नहीं होगा। आप इत्मीनान से आराम फरमाइए और आपका ये नाचीज नौकर सारी रात जाग कर घोड़े की निगरानी और पासवानी करेगा। घोड़े की तरफ से आप इत्मीनान रखिए जनाब। नौकर की ये बात सुनकर मालिक को इत्मीनान हुआ और वो आराम से सो गया। एक पहर रात के बाद आका की आंख खुली तो उसने नौकर से पूछा, क्यों भाई, क्या कर रहे हो? मेरे मालिक, इस वक्त आपका ये गुलाम सोच रहा है कि अल्लाह ताला ने जमीन को पानी पर क्यों ठहरा रखा है। ऐ बेखबर, मुझे डर है कि तू यूं ही वाही तबाही सोचता रहा तो तेरी इस बेखबरी से फायदा उठाकर चोर हमारा माल असबाब ना चुरा ले जाएं। अजी, उनकी क्या मजाल है? आप बेफिक्र रहिए और इत्मीनान से सो जाइए। खर्राटे लीजिए जनाब, खर्राटे। आका बेचारा ये तसल्ली आमेज बात सुनकर फिर सो गया। आधी रात के बाद फिर उसकी आंख खुली और पूछा, ऐ बाखबर, अब किस फिक्र में है? खुदावंद, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि खुदावंद ताला ने ये लंबा चौड़ा और बेकनार आसमान बगैर सतूनों के किस तरह खड़ा कर रखा है, हा? और कील गाड़ने में जमीन की मिट्टी कहाँ गायब हो जाती है? ए बेखबर, तेरी इस बेखबरी से मुझे खौफ है कि कोई मेरा घोड़ा उड़ा कर ना ले जाए। अच्छा, एक काम कर, अगर तेरा जी सोने को चाहे तो सो जा। खुदावंद नेमत, आप इत्मीनान रखिए, मैं पूरी तरह से खबरदार और होशियार हूँ। मालिक बेचारा फिर सो गया। तीन पहर रात के बाद फिर अचानक उसकी आंख खुल गई। फिर उसने पूछा, क्यों भाई, क्या खबर है? खुदावंद नेमत, मैं सोच रहा हूँ कि ऊंट के पेट में गोलियां कौन बांधता है और केले के पत्तों पर खुद ब खुद स्त्री किस तरह हो जाती है। गरज के मालिक बेचारा फिर नौकर की बातों में आकर बेफिक्री से सो गया। और जब चार घड़ी शब बाकी थी तो एक बार उसकी आंख फिर खुली। उसने नौकर से अब के पूछा, क्यों भाई, अब क्या खबर है? खुदावंद नेमत,
बास चोर भी बहुत दानिशमंद और अपने काम में बड़े माहिर होते हैं। हाँ देखिए ना कितनी अजीब बात है कि कोई ऐसा ही मुहजोर चोर सुरंग लगाकर घोड़ा ले उड़ा। मालिक ने बड़ी बेबस नजरों से उसकी तरफ देखा। क्या कहा? चोर घोड़ा ले उड़ा? फिर तुम यहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हो? खुदावंदे नेमत, आपका ये गुलाम नाकाम इस फिक्र में है कि घोड़ा चोरी हो जाने के बाद उसकी जीन और खुगीर आपको अपने सर पर रखना पड़ेगा या मुझको अपने सर पर लाद कर ले चलना होगा, बताइए जनाब। ये वहशत असर खबर सुनकर आका के होश उड़ गए। लेकिन अब क्या हो सकता था जब चिड़ियां चुग गईं खेत। फलसफी नौकर। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन डॉक्टर चमन आरा, कलाकार परवेज गौहर, शमाइला परवेज और बाबला कोचर, ध्वनि अंकन बटीलैंग लिंगडो और शानु मुक्सीम, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।